दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल ब्लॉक्स में। हम आप लोगों को आज बताएंगे कि विंडो एसी में गैस चार्जिंग कैसे की जाती है और विंडो में लीकेज कैसे चेक किया जाता है और लीकेज को किस तरीके से हम टाँके लगाते हैं। ये विंडो एसी है और ये हिटेची कंपनी का विंडो एसी है। इसकी कूलिंग कॉइल एंड कंडेंसिंग कॉइल दोनों ही टू रो में है, ये देख लीजिए। और ये कूलिंग कॉइल में फ्रंट साइड में एक आपको निशान तेल का दिख रहा होगा, ये लीकेज शो कर रहा है कि यहीं पे लीकेज है, इसमें तेल आया हुआ है। अब इसकी हम कूलिंग कॉइल खोलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि लीकेज किस तरीके की है। ये अचानक चलते चलते इसमें कूलिंग खत्म हो गई, ये देख लीजिए। हम कूलिंग कॉइल खोल रहे हैं, कूलिंग कॉइल जब तक हम खोल रहे हैं तब तक आप लोग हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। और इसमें देखिए धुआं भी निकल रहा है हल्का हल्का सा, आपने देखा होगा अभी वीडियो में, ये देखिए अभी भी नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यही पास से लीकेज है इसमें और लीकेज बहुत तेज़ी के साथ है। इसको हम अब हटाएंगे कॉइल को, इसकी पहले प्लेट हटाएंगे फिर निकाल के आपको दिखाएंगे कि लीकेज कितनी मोटी है। ऐसी जब प्रॉब्लम आती है तो गैस आपकी लगभग 10 से 12 घंटे के बाद सारी निकल जाती है, थोड़ी बहुत गैस रह जाती है। और ये नाले के पास होने की वजह से इसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। वैसे ये जो एसी कंपनी ने बनाया है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का बनाया है हिटेची कंपनी वालों ने। इसकी कूलिंग कॉइल इतनी हल्की है कि अगर आप कहीं एरिया में नाले के साइड लगा देते हैं तो ये 1.5 से 2 साल, बस 2.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। ये देख लीजिए, देखो इसके ऊपर कितना कार्बन आया हुआ है। ये कार्बन को हम बत्ती की सहायता से और ब्रश की सहायता से साफ़ करके आपको लीकेज चेक करा रहे हैं। ये देखिए अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, पहले इसकी लीकेज हम चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ पे लीकेज है। ये देखिए ये लीकेज है, इसके ऊपर जैसे ही हम अपनी बोतल से पानी डाल रहे हैं शैम्पू का, वो बाहर कितनी तेज़ फेंक रहा है, ये देखिए कितनी तेज़ लीकेज है। अब इसकी हम सारी कॉइलें पहले हल्की हल्की सी गर्म करके कार्बन हटा देंगे ब्रश से, ताकि हमें पता चल जाए कि लीकेज कहाँ कहाँ है। इसमें एक जगह और लीकेज है, देखिए आपको नज़र आ रही है चाहे, ये देखिए हल्की हल्की सी। अब इसके सारे जॉइंट हम चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ पर लीकेज है। एसी हमेशा पूरा ही चेक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि अगर कूलिंग कॉइल लीक है तो पीछे बैक साइड में कहीं लीकेज ना हो। ऐसी सेम सिचुएशन इस एसी में है कि इसकी कूलिंग कॉइल तो दो जगह से लीक ही है और पीछे कंडेंसिंग कॉइल भी बहुत बारीक लीकेज है, देख रहे हैं आप, नज़र आ रही है। एसी को जब भी चेक करें तो पूरा प्रॉपर चेक करें, बिना लीकेज मिल जाने के बाद आप ये कंफर्म नहीं शो कर सकते हैं कि लीकेज एक ही जगह। कभी कभी लीकेज इतनी माइनर होती है कि आपको प्रेशर डालने के बाद ही पता चलता है। जो एसी के अंदर प्रेशर पड़ा होता है उससे पता ही नहीं चलता, तो इसलिए मैं गैस को सी जो पहले लीकेज लीक जाए उसको रिपेयर करके फिर दोबारा प्रेशर डालना चाहिए। अब इसमें हम प्रेशर सारा निकाल दिया है और प्रेशर निकालने के बाद अब इसकी कॉइलों पे हम टाका लगा रहे हैं, धीरे धीरे टाके लग रहे हैं कॉइलों पर। टाका जब भी लगाएं तो पहले कॉइल का कार्बन जरूर हटा लें। और बिल्डिंग ग्रास भी 2 क्वालिटी 3 क्वालिटी की आती है, तो जो बिल्डिंग ग्रास लगाएं आप अच्छी क्वालिटी की लगाएं, क्योंकि उससे आप जब टाका लगाओगे तो आपका बिल्डिंग रॉड का मटेरियल है वो पूरी कॉइल पे फैल जाएगा। लोकल मटेरियल वो चिपक जाता है एक जगह पे, उससे अच्छा टाका नहीं लगता। अब ये देख लीजिए हमने टाके सारे लगा दिए हैं, अब इसका कंडेंसर पीछे का टाइट कर रहे हैं और इसको गैस चार्जिंग के लिए हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे। क्या वैक्यूम कर देंगे, ये देख लीजिए टाके सारे लग चुके हैं फ्रंट साइड के।
अगर आपके पास कोई कोडिंग हो तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर कोडिंग लगा दीजिए। कोडिंग के बोतल है ये जो हम आपको लगाते हुए दिख रहे हैं, ये एक तरीके की वार्निश है जो पंखों की वाइंडिंग पे उपयोग की जाती है। इसको भी लगा देने के बाद अगर 10-15 मिनट सूख जाता है आपका ऐसे तो इस पे नाले का असर बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप नए एसी पे इसको कर देते हैं अच्छी तरीके से तब भी बहुत अच्छा ये काम करती है। गली के ऊपर बनाई थी गली। इन केस आपके पास अगर ये ना हो तो आपके पास कोई पेंट हो या बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं स्प्रे कोडिंग, वो आप लगा सकते हैं। स्प्रे कोडिंग कूलिंग कॉइल पे तो फ्रंट में लगा देना चाहिए और बैक साइड में जो आपको जॉइंट नज़र आ रहे हैं जिन पे लगा सकें ज़्यादा से ज़्यादा लगा दीजिए। उससे ये होता है कि आपकी जो कॉइल है वो नाले के गैस से बच जाती है और उस पर असर भी कम पड़ता है। वैसे तो ये प्रक्रिया जब एसी आप नया लेके आए तभी अपनाना चाहिए, क्योंकि जब एक दो सीजन आप एसी चला देते हैं उसके बाद कोडिंग आप करते तो हैं पर इतना असर नहीं करती है, क्योंकि उसके ऊपर नाले की गंदगी जमा हो जाती है आके। तो हमेशा जब नया एसी लें अगर नाले के साइड आप रह रहे हैं तो उसमें कोडिंग ज़रूर करा दें। और कोडिंग जब भी कराएं तो कूलिंग कॉइल और कंडेंसिंग कॉइल पे अच्छी तरीके से कराएं। कूलिंग कॉइल को खोल के करा लें ताकि उस पर जो है राइट हैंड में जो लीकेज होती है वो कंट्रोल में आ जाए। इस एसी को हमें सर्विस किए हुए लगभग 1 महीने के आसपास हो गया है। ये रोड के साइड का एसी है, इसमें डस्ट बहुत जमा होती है, ये देख लीजिए आप लोग डस्ट कितनी है। अब इसको हमने वैक्यूम पे लगाया था, वैक्यूम हो चुका है और ये एसी 32 नंबर गैस का है, ये आप लोग देख सकते हैं 32 नंबर गैस का है। इसमें हमने टाका लगाने के लिए पाइप लंबी कर रखी है और इसको हम पंचिंग टूल की सहायता से लॉक कर देंगे। इसमें मैंने गैस छोड़ दी है और एसी को स्टार्ट कर दिया है और एसी में गैस धीरे धीरे जा रही है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। अब इसका हम पावर कनेक्शन देंगे और ऑन करेंगे। नाले के साइड एसीओ में ज़्यादातर लीकेज की प्रॉब्लम बहुत आती है। ये देख लीजिए एसी स्टार्ट हो गया है और इसमें गैस जा रही है। अगर आप लोग अभी नए टेक्नीशियन बने हैं तो आप लोगों से अगर पंच ना हो सके तो पिनवाल लगा सकते हैं। पिनवाल में कभी कभी लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो इसलिए हम पिनवाल बहुत कम लगाते हैं, ज़्यादातर हम पंच ही कर देते हैं। उससे क्या पिनवाल लीकेज होने के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एसी में गैस डाल के आए और लगभग अगले सीजन में उसकी पिनवाल ही लीक कर गई, तो इससे बचने के लिए हम ज़्यादातर पंच ही लगा देते हैं। और पंच जब भी लगाएं तो पिनवाल का जो पाइप आता है उस पर तो आपका टाका जल्दी लगेगा नहीं और उसका जो पंच लगाते हो आप वो लीकेज ही होता रहता है। तो इसीलिए जब भी पंच करना हो तो आप लोग क्वार्टर का टुकड़ा कोई मलेशिया या मांदे का टुकड़ा ही लगाएं। पिनवाल का पाइप बहुत हल्का होता है, उस पर आपका पंच ठीक तरीके से पकड़ नहीं पाता और वो लीक करता रहता है। ये देख लीजिए इसमें कूलिंग आना भी स्टार्ट हो चुकी है और गैस बस इसमें पूरी होने वाली है। किस तरीके से पंच करेंगे हम आपको दिखाएंगे और कितना बैक प्रेशर इसमें छोड़ेंगे। ये देख लीजिए कैपलरी पे बर्फ़ आ रही है और गैस जब पूरी हो जाती है तो ये कैपलरी की बर्फ़ बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। अगर इन केस आपके पास कभी चार्जिंग लाइन ना हो या गेज ना हो तो आप लोग, अगर गेज ना हो उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप चार्जिंग लाइन की भी सहायता से गैस डाल सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको पिनवाल लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पिनवाल लगाओगे नहीं तो आपको कंफर्म पता नहीं चलेगा
कि इसमें गैस कितनी है, पिनवाल लगी होगी, तो जब आप कभी भी कस्टमर के यहाँ विजिट करोगे नेक्स्ट टाइम, या आपको कूलिंग कम लगे तो उसमें गैस डाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी गैस ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट चार्जिंग लाइन से गैस डाल सकते हैं। पर यह प्रॉपर अनुभव होना चाहिए कि कितना आइडियाज़ है कि कितनी गैस पहुंची है मशीन के अंदर, ऐसा ना हो कि आप ओवर गैस कर दें जिससे प्रॉब्लम आए। अभी देख लीजिए गेज लगी हुई है और हमारा बैक प्रेशर लगभग 120 और 140 के बीच में पहुंच चुका है, लगभग 130-135 के आसपास चल रहा है। नए जो एसी आते हैं उनमें लगभग बैक प्रेशर आपका 120 और 140 के बीच में ही होता है, तो आप लोग 130 भी छोड़ सकते हैं बैक प्रेशर, और 120 भी। ये देख लीजिए हमने पंचिंग टूल तैयार कर लिया है और पंच करने जा रहे हैं। ये देख लीजिए हमने पंचिंग टूल लगा दिया है और चार्जिंग लाइन को हटा रहे हैं। चार्जिंग लाइन हटाने के बाद आप लोग उंगली की सहायता से दबा के देख सकते हैं, या थोड़ा सा थूक लगा के देखो लीकेज कर रहा है। अब इसमें चार्जिंग लाइन हम पुनः लगाएंगे और दोबारा पंच लगाएंगे। ये देखिए ये, अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा पंच टूल टाइट करेंगे और दोबारा पंच मारेंगे। ये देखिए हमने पंच मार दिया है और आपको दिखा रहे हैं कि ये लीक कर रहा है या नहीं। घड़ी भी देख के आप आइडिया लगा सकते हैं गैस को कि इसमें प्रेशर आ रहा है तो समझ लीजिए कि लीकेज कर रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है तो नहीं लीकेज है। अब इसमें लीकेज बिल्कुल नहीं है और इसको हम इसका प्लग आउट कर देंगे, एसी बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पंचिंग करते वक्त हमारा कोई टूल्स फैन में आ जाता है तो फैन टूटने का डर रहता है। ये पंचिंग टूल हमने लॉक कर दिया है कि पंच खुले ना, और हम टाका लगाएंगे। टाका लगाते वक्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं हम टाका लगाते वक्त ध्यान हमारा टाके की तरफ है और एसी का फैन या फोम कहीं का जल रहा है, या कोई वायर आपकी सामने आ रही है और हमें ध्यान ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाका लगाते वक्त हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारे एसी में कोई ना कोई पार्ट्स जलने लगता है। ये देख लीजिए हमने हल्का सा पाइप गर्म किया और पाइप गर्म करके जो आगे की पिनवाल लगी हुई थी उसको हटा दिया है। पिनवाल हट जाने के बाद जो पाइप है उसके मुंह को थोड़ा सा हम प्लास की सहायता से दबा देंगे और इसमें टाके से बिल्डिंग रोड लगा के इसका टाका ब्लॉक कर देंगे। ये देख लीजिए हमने ब्लॉक कर दिया है। 3200 या 410 किसी में भी आप टाका लगा सकते हैं, लेकिन आपको तजुर्बा होना चाहिए टाका लगाने का, वरना ये गैस आग पकड़ने वाली गैस है, दिक्कत हो सकती है। हम लगभग अगर एसीओ में गैस चार्जिंग करते हैं तो एक ही दो एसीओ में पिनवाल लगाते हैं जिसमें कोई डाउट होता है या कुछ हमें लगता है कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वरना हम पंच ही कर देते हैं। ये देख लीजिए पंच लग चुका है और पंच ठंडा भी हो गया, हम पंच हटा रहे हैं। ये देख लीजिए हमने पंच हटा दिया है। पंच हटाने के बाद उस पर हम डाल के देख लेते हैं कि कहीं से हमारा टाका लीकेज तो नहीं है। जहाँ पे पंच लगाते हैं वहाँ पे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा दबाव के साथ लगाते हैं और पाइप पतला होता है, तो अक्सर कर यहीं से लीकेज हो जाता है। तो इसलिए इसमें जब भी पाइप लगाएं तो क्वार्टर का मलेशिया या महादेव का लगाएं, पिनवाल के पाइप पे पंच ना मारें, इसमें प्रॉब्लम आती है। हम कस्टमर के यहाँ थे तो कस्टमर ने कहा गंदा बहुत है, इस पर थोड़ा सा सर्विस कर दीजिए, तो हमारे पास सर्विस मशीन थी नहीं और हमने बाल्टी की सहायता से एक बाल्टी के आसपास पानी कंडेंसर पे मार दिया। इसके अंदर बहुत गंदगी निकली, फिर भी अब लास्ट सीजन चल रहा था तो हमने सोचा इसको नेक्स्ट सीजन में फिर सर्विस होगी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अभी सर्विस किए हुए, लेकिन फिर भी गंद बहुत थी। एसी में
जो बाहर साइड के एसी होते हैं जहाँ पे रोड होता है वहाँ पे डस्ट बहुत खींचते हैं, तो कस्टमर को लाइट बचाने के लिए एसी को हर 2 महीने में सर्विस कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सर्विस नहीं कराओगे तो आपका एसी चलता तो रहेगा बट उससे ज़्यादा खर्चा आपका बिजली के बिल में आ जाएगा। बहुत सारे भाई लोग कहा करते हैं कि बिजली का बिल बहुत आता है बहुत आता है, तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है सर्विस की। आप टाइम पे सर्विस नहीं कराओगे तो आपका एसी ना कूलिंग ढंग से करेगा, और अगर कूलिंग भी करेगा तो उतनी अच्छी नहीं करेगा जितनी करनी चाहिए, क्योंकि कंडेंसिंग कॉयल में अगर मिट्टी भरी हुई है तो उसकी हीट प्रॉपर निकल नहीं पाती है, और हीट जब प्रॉपर निकल नहीं पाती है तो कंप्रेसर आपका ट्रिप मारेगा, और जो गैस जितनी ठंडी होनी चाहिए कंडेंसिंग कॉयल में उतनी ठंडी नहीं हो पाती, और जो आपका एसी 1 घंटे में कूलिंग करना चाहिए उसको करने में 3 घंटे लग जाते हैं। कस्टमर सोचता है एसी चल तो रहा ही है, ये टेक्नीशियन भाई लोग ऐसे सर्विस के लिए बोला करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका सर्विस लायक होगा तभी टेक्नीशियन सर्विस करेगा। हम किसी कस्टमर के यहाँ जाते हैं, अगर मशीन में सर्विस की दिक्कत होती है तो हम बता देते हैं सर्विस की दिक्कत है, बाकी कस्टमर से बोल देते हैं कि आपकी मर्ज़ी, दिल करे करा लो, दिल करे मत कराओ। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो हमारे परमानेंटली हैं, उनके रोड के साइड पे मकान है, वो लोग हमें अक्सर कर बोल देते हैं कि भैया 2 महीने में आके खुद सर्विस कर जाना। धन्यवाद।